अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद उम्मीद है कि सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो मैं आपको आज 5 मिनट के अंदर DAT का जो सेकंड सेमेस्टर प्रोजेक्ट है वो बनाने का तरीका सिखाता हूँ, ठीक है। वैसे भी आपको पता होगा कि DAT का जो प्रोजेक्ट है वो सेकंड सेमेस्टर में जो है 100 नंबर का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि वीडियो को हमारे साथ स्टार्ट से लेकर आखिर तक देखना है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये वीडियो आपने पूरी देखी तो आपको इंशाल्लाह 95+ जो है वो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने प्रोजेक्ट का जो है प्रोजेक्ट और थीसिस दोनों यहाँ पे जो है मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप सिंपल उस पर क्लिक करें और अपने पास डाउनलोड करके USB में ले जाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। तो प्रोजेक्ट जो है यहाँ से मैं थोड़ा ये जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो प्रोजेक्ट हमने जो है बनाए है वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और ये जो है आजकल आपको पता है कि DAT सॉरी FAC फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का जो अप्लाई है वो ऑनलाइन होती जा रही है। तो मैंने भी इसी तरह सेम प्रोजेक्ट है आपको दिखाता हूँ, बस ये प्रोजेक्ट को आपने समझना है और जो है वो अपने साथ USB में लेके जाना है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको 95+ नंबर मिल जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट है मैंने बनाया है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको थीसिस दिखाता हूँ कि थीसिस आपने वो कहाँ पे अपना नेम डालना है, कहाँ पे रूम नंबर डालना है, वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने ये थीसिस है इस पर मैंने क्लिक किया, तो ये जो है MS Word फॉर्मेट में है और बिल्कुल सिंपल सा जो है उस पर क्लिक करके आप अपना नाम और रोल नंबर एंटर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सामने आप देखिए कि खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल इन कॉमर्स एजुकेशन पेशावर डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट जो है ये सेकंड सेमेस्टर का है और इसका 100 नंबर है, ठीक है। और प्रोजेक्ट जो है ये ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, ठीक है। आपने क्या करना है कि FAC का जो आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन हम जो है वो क्या करते हैं कि अपना जो सब कुछ डेटा है वो सबमिट करके हमारा एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये भी ये प्रोजेक्ट है, सबमिटेड टू खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड ऑफ टेक्निकल इन कॉमर्स एजुकेशन पेशावर, सबमिटेड बाई यह है आपने अपना नाम जो है वो लिखना है, ठीक है। और इसके बाद ये रोल नंबर है आपका, जो भी रोल नंबर है वो यहाँ पे आपने डालना है, और सेमेस्टर तो ऑलरेडी जो है वो सेकंड सेमेस्टर का है, ठीक है। इसके बाद जो है सॉफ्टवेयर हमने कौन कौन से यूज़ की है, तो Notepad है और इसके बाद HTML, ये दो सॉफ्टवेयर इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपना सेंटर का नाम डालना है, जो भी सेंटर का नाम है जहाँ से आप DIT कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल रहे, ठीक है। फिर नीचे चलते हैं, मैंने उसके अंदर HTML जो है उसका कोडिंग के थ्रू मैंने ये फॉर्म बनाई हुई है, ठीक है। तो HTML जो है ये क्या है, मैं आपको सिंपल सा ये बताता हूँ कि अगर आपने एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि भाई जो है HTML क्या है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो HTML इज ए हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज, और ये जो है ये लैंग्वेज यूज डिफरेंट टेक्स्ट पर डॉक्यूमेंट डिजाइन टू बी डिस्प्ले इन द वेब ब्राउजर, ठीक है। तो HTML बेसिकली जो है ये हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे डिफरेंट टैग्स है, ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन जो है आपने .html डालना है, और ये कहाँ पे ओपन होती है, ये वेब ब्राउजर के थ्रू जो है वहाँ पे ओपन होती है, ठीक है, वेब ब्राउजर यूज़ करते हैं हम तौर पर। तो ये HTML है, उसके बाद हम जो है वो क्या यूज़ करेंगे मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ना वो Notepad ओपन करेंगे। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि Notepad ओपन करने के बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये नाम दे देंगे। थर्ड नंबर पे हम जो है HTML कोडिंग जो है वो उसके अंदर लिखेंगे Notepad के अंदर, और थर्ड नंबर पे जो है हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट का जितना भी डिटेल है हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे हम जो है HTML कोड विद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, और ये जो है हम ऑल फॉर्मेट के साथ अपने साथ सेव कर देंगे, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, ये तो थीसिस है, ये कोडिंग है HTML का जो मैंने Notepad के अंदर जो है वो सेव किया है, ये कोडिंग है, और इसके बाद जो है ये मेन एडमिशन फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है ये थीसिस है मैंने आपको दिखाई है। अगर आपको अभी भी कोई मसला हो तो वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स करके जो है मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। अब चलते हैं, मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे ऊपर सबसे ऊपर आप देखें कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म,
यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है, ये लास्ट नेम है, यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपका, यहाँ पे डालना है, ठीक है। यह ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये मोबाइल नंबर है, और जेंडर में जो है मेल है फीमेल है जो भी है ये आपने लिखना है, ठीक है। यहाँ से अपना अपना एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस है, फर्ज करें मैं लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद सीटीपी जो है ये भी आपने लिखना है, मैं फर्ज करें एक दो दो तीन को फिल करता हूँ, इसके बाद आपका मर्जी है जो भी, लेकिन आपने कंप्लीट ये फिल करना है। उसके बाद ये पिन कोड जो है ये पोस्टल कोड है, यहाँ पे आपने डालना है, ठीक है, और स्टेट जो है यहाँ पे अपने कंट्री अपने चेंज करके पाकिस्तान को लिखना है, ठीक है। इसके बाद हॉबीज है, तो हॉबीज़ में जो है ये ड्राइंग है, सिंगिंग है, डांसिंग है, स्केचिंग है, और इसके बाद अदर भी आप लिख सकते हैं, जैसे आप स्पोर्ट्स ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में जो है क्वालिफिकेशन में नीचे आप जाए तो यहाँ पे आपका जो 10 क्लास का मार सॉरी आपने जो 10 क्लास की हुई है एसएससी, तो मैं लिखता हूँ BISE मालाकंड, ठीक है। सामने से आपने परसेंटेज डालना है कि जो भी परसेंटेज आपने मैट्रिक में हासिल की है वो लिख के, और यहाँ पे पासिंग ईयर लिख के, ठीक है, जो भी जिस ईयर में आपने मैट्रिक पास की हुई है वो यहाँ पे लिखिए। ये सेकंड ईयर है, ठीक है, FSC है या FA है, जो भी है ये परसेंटेज है और ये ईयर है, ठीक है। ग्रेजुएशन है, और ये जो सेल है सेम टू सेम आपने इसमें ये डालना है, ठीक है। इससे नीचे जो आपने जाना है ये कोर्स अप्लाइड फॉर, ठीक है, कौन से कोर्स के लिए आपने अप्लाई करना है, तो ये BCA है, यहाँ से आप चेक लगा सकते हैं। BCA के बाद जो है BCOM है, BCOM के बाद BSc है और BA है, ठीक है। तो जो भी कोर्स के लिए आपने अप्लाई करना है वो चेक लगा के यहाँ से आपने सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोजेक्ट है, और ये जो है आपने बस इसको समझना है, और जो प्रेजेंटेशन का दिन है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट का दिन है, उस दिन पे आप ये अपने साथ USB में ले जाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अच्छी मार्क जो है मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको जो है सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की। अगर अभी भी आपको कोई मसला है तो आप जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ये थीसिस, ये भी मैंने सिंपल सा जो है एमएस वर्ड के पेज में मैंने यहाँ पे सेव की हुई है। आप जो है उस पर सिंपल से एडिटिंग करके अपना नाम भी डाल सकते हैं, अपना रोल नंबर, और ये सब कुछ इसके अंदर आप, बस आपने इसमें कोई चेंजेस और नहीं करना है, बस आपने सिंपल से ये करना है कि जो भी आपका काम जो है ये अपने नेम के साथ है उसको एडिट करना है, अपना रोल नंबर एडिट करना है, ठीक है। और बस आपने इसमें के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करना, बस यहाँ से आपने छोड़ना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा जो है प्रोजेक्ट है, उम्मीद है कि आपको ये जो है समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं नेक्स्ट भी हम जो है DAT के सिंपल सी वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको क्लियर होगा, अगर जो भी मसला है तो नीचे वीडियो के लिए कमेंट्स करके इंशाल्लाह मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।